सभी को मेरा प्रणाम। कोरोना से डरे नहीं, बस ये करें। क्या करें ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप इसे बहुत ध्यान से सुने, समझें और जीवन में अपनाएं। देखिए, सबसे पहली बात, कोरोना से आप डरे नहीं। डर मृत्यु है। यदि कोई व्यक्ति डर जाए और उसे कोई भी रोग नहीं, तो कई बार डर से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले अपने डर को छोड़ें। कोई भी रोग हो, यदि आप निडरता से उसके सामने खड़े हो जाएं, तो रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके शरीर के अंदर पूरा एक सुरक्षा कवच कार्य करता है, जो आपकी हर पल आप सो जाते हैं तब भी आपकी सुरक्षा करता रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी 2400 घंटे काम करती रहती है, वो पूरी जिम्मेदारी से काम करती है। तो आपको अपने डर को निकालना है। फीवर आ जाए कोई बात नहीं, फीवर अगर आ भी जाता है आपको तो फीवर ठीक हो जाता है। 3 से 7 दिन मैक्सिमम लगते हैं फीवर को ठीक होने में। यदि लेकिन फीवर आते ही आपको कुछ सावधानियां रखनी है, उसमें कहीं भी आप ढिलाई ना बरतें, लापरवाही ना करें। सबसे पहले तो आइसोलेट करें अपने आप को, घर पर ही क्वारंटाइन करें अपने आप को। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, केवल टेम्परेचर आपको लग रहा है, हल्का गले में दर्द है, या आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं, और डरें बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, आपको जो आयुर्वेद में, हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है, आयुष मंत्रालय ने भी इसके ऊपर एक काढ़ा लेने की सलाह दी है सभी देश के वासियों को, और हमने इसके ऊपर YouTube पर योग गुरु राजेश चैनल पर वीडियो आपको मिलेगी, उसमें पूरा एक विस्तार से किस जड़ी बूटी को कितनी मात्रा में लेनी है, हमने उसके ऊपर पूरा एक वीडियो आपको दी है। आप उसे ज़रूर देखें एक बार जाकर, और उस काढ़े का प्रयोग करें। दूसरी बात, आपको कोरोना संक्रमण न हो, उसके लिए आपको क्या करना है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, वापस जब घर वो जाते हैं, तो आपको संक्रमण न हो और आपके परिवार को संक्रमण न हो, इसके लिए आप ध्यान से कुछ बातों को समझें। घर में एंटर करते हैं तो आप अपने सामान को रख दें किसी एक कोने में, घर के किसी स्थान पर जहां आपके घर बड़े या बच्चे ना पहुंचे। फिर आप सीधा वॉशरूम जाएं, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से 20 से 25 30 सेकंड तक अच्छे से धोएं। धोने के बाद फिर आप अपने घर के किसी भी सदस्य को आप गर्म पानी पहले से ही बोल कर रखें, तैयार रखें, नमक उसमें डालें, सेंधा नमक है तो सेंधा नमक डालें, नहीं तो सी सॉल्ट आप उसमें डाल लीजिए। उस सेंधा नमक के पानी से आप गरारे करें, खूब अच्छे से गरारे करें, गार्गल करें, और फिर थोड़ा पानी उसको पी लीजिए आप। तो इससे कोई भी यदि इन्फेक्शन आपके साथ आपके घर पहुंच गया, तो वो आपकी बॉडी से भी वॉश आउट हो जाएगा, प्लस किसी घर के दूसरे सदस्यों को इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर आप अपने कपड़े निकाल कर और अच्छे से स्नान करें। स्नान करने के बाद तब आप घर के सदस्यों से मिलें, बाहर आएँ, अपना रूटीन का कार्य करें। तो ये छोटा सा काम आपको करना है। सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो नाक में आप तेल जरूर डालें। तेल में आप षडबिंदु तेल लें या अणु तेल लें, आयुर्वेद में अणु तेल आता है, षडबिंदु तेल आता है, ये किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। और या ये तेल अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों का तेल ले लें, दो दो तीन तीन बूंद नाक में आप रोज़ डालें सरसों का तेल। रात को भी आप डाल लीजिए एक बार, और सुबह जब निकलें तो दोनों नाकों में आप ठीक से छोटी उंगली पर आप ऑयल ले लें और उसको, या स्टिक बर्ड से आप उसको तेल को लगाएं। तो ये आपको छोटा सा काम करना है, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और अगर कोई संक्रमण हो जाए तो घबराए नहीं, डर को बिल्कुल छोड़ दें, डरे नहीं। जैसे सामान्य फीवर हो जाता है उसको उसी तरीके से ही आप लें, सावधानी रखें। सामान्य फीवर होने पर भी हमें पहले आदत नहीं थी, हम नाक बहती रहती थी, कोल्ड होता रहता था, फीवर आता रहा, और आप सब घर के सदस्यों के साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन अब कोरोना ने ये सिखाया है, वापस बताया है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई भी संक्रमण हो, आप थोड़ा दूर रहें, दूरी बनाकर रखें,
डिस्टेंस ज़रूरी है, फिजिकल डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप संक्रमित हो गए हैं, और किसी अनजान व्यक्ति से भी अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उससे भी आप डिस्टेंस बनाकर रखें। सोशल नहीं, फिजिकल डिस्टेंस इसको कहें तो ज़्यादा अच्छा है, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। और नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें, नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। कपालभाति क्रिया, इसकी विधि प्राणायाम से थोड़ा डिफरेंट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको देखें। पूरा क्लीनिंग अगर आप करते हैं रोज़, अपने गले के भाग को, अपने लंग्स को क्लीन कर लेते हैं, तो कोई भी संक्रमण आप पर हावी नहीं हो सकता। आपकी बॉडी में पूरा सुरक्षा तंत्र कार्य कर रहा है, आप उस पर भरोसा रखें, आयुर्वेद पर भरोसा रखें, क्योंकि आज आप देखते हैं आयुर्वेद ही एकमात्र उपाय है। अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, अदरक, हल्दी और चिरायता, कई तरह की जो औषधि हैं, दारू हल्दी, इस पर हमने पूरा एक YouTube पर जो वीडियो बनाई है उसको आप जाकर देखें और उसका आप उसको सेवन करें। आज जो एलोपैथी चिकित्सा से जुड़े हुए जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं अपनी चिकित्सा को, तो वो आज जब घर से निकलते हैं तो काढ़ा पीत कर निकलते हैं, आयुर्वेद की औषधियों को लेकर निकलते हैं। तो आयुर्वेद प्रिवेंटिव भी है और अगर रोग हो जाए तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। दूसरा, हम कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों पर हमने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो हमने प्रयोग किए आयुर्वेद का, और वो उसके जो रिजल्ट आए उस पर हमने कुछ फीडबैक लिए। कुछ लोग इतने डरे हुए हैं कोरोना से कि वो फीडबैक भी देने को तैयार नहीं है, ठीक हो जाते हैं लेकिन फीडबैक देने को तैयार नहीं है। तो कुछ ने, जिसने फीडबैक दिया, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि वो क्या उनको फील हुआ और कैसे उन्होंने किया। माय नेम इज अंकित एंड आई वाज हैविंग अ फीवर 10 डेज बैक एंड इवन आई एम हैविंग अ वेरी बैड थ्रोट इन्फेक्शन टू। And I was very scared whether do I have a corona or it is a normal viral. Then I have contacted Arogyam Yoguru Dr. Rajesh and taken his consultation on this, and he have said it to me and motivated me that Ankit, whether it is corona or it is normal viral, take it as corona only and kindly follow some instructions. Which he have shared, like I have to do gargle 5 times in a day, which I followed. Then usually I drink 4 to 5 liters of water in a day, but that time I have increased my intake of a water which to 6 to 7 liters, which is even a normal water, gunguna pani. And he have given me one kada. In that I have even mixed giloy and tulsi, which I had it thrice in a day. And this process I followed for almost 7 to 8 days. I don't have any fever. My throat is also perfectly fine. So I'm very thankful for this doctor, your guru, Dr. Rajesh. And I was just thinking, if I have approaches to the private hospital, I must have landed up by paying 5 to 10 lakh for this treatment if I found positive corona. But fortunately, I have connected your guru, Dr. Rajesh, for this, and he have guided me in the right direction. I'm really thankful for him. So, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। नारियल पानी आपको पीना है अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया, आपको कोरोना हो गया या फीवर है, कोई भी चीज़ है, नारियल पानी पीना है, हरी सब्जियां, सलाद, और नियमित रूप से नींद प्रॉपर लेनी है, तनाव नहीं लेना है, योग प्राणायाम करना है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से एक ही सप्ताह में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे आपको उसके बाद भी, और आप आयुर्वेद योग को पूरे भरोसे से अपनाओ, क्योंकि विश्वास सबसे पहले काम करता है, औषधि बाद में काम करती है। अगर आप आयुर्वेद को अपना रहे और आपका विश्वास नहीं है तो औषधि काम नहीं करेगी। फिर आप एलोपैथी में जाएं और जो भी जिस तरह का भी आपको ट्रीटमेंट मिलता है आप लीजिए, जो है वो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपकी स्वतंत्रता पर कोई सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि आप आयुर्वेद लें
या एलोपैथी लें या होम्योपैथी लें, आपकी स्वेच्छा है, जो आपके मन कहे आप वो करें, लेकिन करें विश्वास के साथ और डरे नहीं। जो भी करें विश्वास से करें, डरे नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएँ आपके लिए करता हूँ ईश्वर से। आप सभी लोगों को अगर कोई भी क्वेरीज है तो हमने जो नंबर दिया हुआ है, आपको यदि किसी तरह का डर सता रहा है, कई बार ऐसे केसेस आए कि हमने उनको कुछ उपचार बताए और उनके परिवार वाले लगातार उन पर एक प्रेशर बनाए हुए हैं कि नहीं आप हॉस्पिटल जाओ, आप हॉस्पिटल जाओ, और उनके अंदर डर पैदा करते रहते हैं, अपने डर को दूसरे को देते रहते हैं। तो वो कई बार वो मुझे फ़ोन करते थे कि गुरुजी ऐसा ये लोग जो हैं मुझे कह रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो बात करने से उनको एक सांत्वना मिलती थी, उनको पॉजिटिविटी मिलती थी, वो फिर से अपने ट्रीटमेंट को आगे जारी रखते थे, तो उन्होंने विजय पाई। ये कई सारे लोगों के अनुभव के बाद ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग भी डरे नहीं, अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को हॉस्पिटलों में महंगे खर्चों में आप न लगाएं, आप योग आयुर्वेद पर आएँ, यही एकमात्र आपको बचा सकता है, आपको जीवन दे सकता है, जीवनदायिनी आयुर्वेद योग। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।